यो गैंगस्टर्स, व्हाट्स अप गाइस, दिस इज समर्थ राजपूत एंड आप देख रहे हैं आपका खुद का चैनल समर्थ राजपूत फिटनेस। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो है पब्लिक डिमांड पे। दैट मींस जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेरीज एंड क्वेश्चंस जो मैंने देखे हैं, जो मुझे मिले हैं, वो ये है कि स्टेरॉइड साइकिल छोड़ने के बाद हमारे गेंस चले तो नहीं जाएंगे, और PCT में एक्चुअल में होता क्या है, PCT क्या होती है, डोसेज क्या है, एक्चुअल ड्यूरेशन क्या है उसको लेने का। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्चुअल में यही कवर करूँगा कि जब हम स्टेरॉइड साइकिल चलाते हैं तो हमारी बॉडी में एक्चुअल में होता क्या है, और जब हम साइकिल से बाहर आते हैं तब क्या होता है, एंड PCT की ज़रूरत क्यों है, उसकी डोसेज क्या है, व्हाट आर द एग्जैक्ट एलिमेंट्स विच वी नीड टू टेक इन द PCT पोस्ट साइकिल थेरेपी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो PCT पे एंड सेफ यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स पे। हाय गाइस, सो दिस इज समर्थ राजपूत। सो गाइस, आज मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि जब हम स्टेरॉइड साइकिल लेते हैं तो बॉडी में एक्चुअली होता क्या है, और जब हम स्टेरॉइड साइकिल से बाहर आते हैं तो बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, और क्या हमें करने की ज़रूरत होती है, PCT में क्या करना होता है, क्या चीज़ें लेनी होती है, और PCT क्यों करनी ज़रूरी होती है। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक बीच में एक बॉटल रखी है और दो साइड में बॉटल्स रखी हैं। तो सपोज़ कीजिए ये जो बीच वाली बॉटल है ये आपकी बॉडी है, और ये वाली जो बॉटल है ये है जो स्टेरॉयड आप यूज़ करने वाले हैं। इसके अंदर मैंने इतना पानी भरा हुआ है। सो आप सपोज़ कीजिए कि इतना हॉर्मोन्स इसमें भरे हुए हैं, टेस्टोस्टेरॉन भरे हुए हैं। ये है आपके नेचुरल टेस्टिकल्स, इसमें बहुत ही कम टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स हैं। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। सपोज़ आपका एक नॉर्मल रूटीन चल रहा है जिसमें आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो आप सब को मैं बता दूं कि जो आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स होते हैं, जो टेस्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो अराउंड 4 to 7 mg होते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं, आपकी बॉडी को उसने फिल किया टेस्टोस्टेरॉन लेवल से। सो दिन का 4 to 7 mg उसने टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस किया और आपकी बॉडी में टैंक में फिल किया। अब नेक्स्ट डेज, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, वो रोज़ उसमें फिल करती है, रोज़ 4 to 7 mg फिल करती है। अब सपोज़ कीजिए आपने सोचा कि आप स्टेरॉयड साइकिल चलाना चाहते हैं, और ये है इंजेक्टेबल स्टेरॉयड, दैट मीन्स फॉरेन सब्सटेंस जो आप बाहर से इंजेक्ट करेंगे। सो उसकी क्वांटिटी है 200 mg, 250 mg से लेकर 600 mg, तो इसलिए हमने ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स दिखाए हैं। सो जब आप ये बॉडी में इंट्रोड्यूस करोगे तो वो ज़्यादा लेवल्स में होगा। सो आपने एक साथ सपोज़ कीजिए 250 mg ऑफ टेस्टोस्टेरॉन बॉडी में फिल किया, फिर नेक्स्ट डे आपकी बॉडी 4 to 7 mg टेस्टोस्टेरॉन उसके अंदर फिल करेगी, और फिर एक दिन के बाद, दो दिन के बाद, डिपेंडिंग ऑन योर साइकिल, जो भी साइकिल आपने डिज़ाइन की है उसमें आप दो दिन के बाद सपोज़ कीजिए इंजेक्टेबल यूज़ कर रहे हैं और आपने फिल किया 250 mg, 400 mg या 600 mg, फिर कुछ दो दिन के बाद या एक दिन के बाद आपकी बॉडी उसमें 4 to 7 mg टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस कर रही है और फिल कर रही है। अब दो दिन के बाद आपने फिर इंजेक्टेबल उसके अंदर फिल किया, और सपोज कीजिए आपके जो बॉडी के टैंक्स हैं टेस्टोस्टेरॉन लेवल को स्टोर करने के, वो फिल हो चुके हैं इस टाइम पे पूरे। अब आपकी बॉडी ने देखा कि आपके जो टेस्टोस्टेरॉन लेवल हैं वो पूरे फिल हो चुके हैं, टैंक फुल हो चुका है, तो आपकी बॉडी को लगेगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरॉन बनाए, तो वो नहीं बनाएगी। और फिर आप उसमें दो दिन के बाद या तीन दिन के बाद आपकी साइकिल में, सपोज़ ये फोर्थ वीक चल रहा है आपकी साइकिल का और आपने टेस्टोस्टेरॉन फिल किए और आपने देखा कि वो बाहर बह गए, बिकॉज आपके टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स का जो टैंक है वो भर चुका है और अब आप उसको फिल कर रहे हैं तो वो बह रहा है बाहर की तरफ। इसका मतलब है जो टेस्टोस्टेरॉन बाहर बह रहे हैं, दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरॉन लेवल हैं वही वो टेस्टोस्टेरॉन लेवल हैं जो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स फीमेल हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसी की वजह से हमें गायनोकेमिस्ट्रिया, दैट मीन्स मेन
मैन बूब्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और आपकी बॉडी ने देखा कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल तो फिल हैं, तो आपकी बॉडी अब अपना सिस्टम शट डाउन कर देगी, दैट मीन्स अब वो और प्रोड्यूस नहीं करेगी। सो अब इसकी वजह से आपकी जो बॉडी है उसके टैंक्स फुल हो चुके हैं, तो इसी वजह से आपका 1 महीने में या 2 महीने में जो बॉडी है वो एनाबॉलिक स्टेट में आ जाती है, जिसकी वजह से वो मसल बिल्ड जल्दी से जल्दी करती है और आपकी बॉडी में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं। सो अब आपकी टेस्टोस्टेरोन की साइकिल ख़त्म हो चुकी है, आपकी बॉडी ने अपना सिस्टम शट डाउन कर दिया है। अब सपोज कीजिए ये आपकी बॉडी है, अब आपकी बॉडी मसल बना चुकी है बहुत ज़्यादा, पर आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल जो नेचुरल वाले थे वो भी शट डाउन हो गए हैं, और जो इंजेक्टेबल्स थे वो भी आपने बंद कर दिए हैं। अब आपकी बॉडी उस टेस्टोस्टेरोन को खर्च करेगी आफ्टर साइकिल, और जब खर्च करेगी, सपोज कीजिए पहले आपके टैंक्स फुल थे, अब आपके टैंक्स इतने कम हो गए हैं कि इसी की वजह से साइकिल ख़त्म होने के बाद जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल हैं वो इतने कम हो जाते हैं कि साइकिल ख़त्म होने के कुछ महीनों बाद आपके जो मसल है वो लूज़ होने लग जाती है, बिकॉज़ आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हैं वो कम होते जा रहे हैं, बॉडी उसे यूज़ कर रही है और आपके जो नेचुरल टेस्टिकल्स थे वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर रही है। सो इसी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन्स बढ़ने लग जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं। सो इसी वजह से हमें PCT करनी पड़ती है। सो सपोज कीजिए PCT, ये आपका क्लोमिड है और ये आपका नॉर्वाडेक्स है। सो क्लोमिड, नॉर्वाडेक्स एंड सपोज कीजिए आप डिपेंडिंग ऑन योर साइकिल आप SCG भी यूज़ कर रहे हैं, जो जो भी एक जो कि एक PCT में यूज़ किया जाता है। सो क्लोमिड, नॉर्वाडेक्स एंड SCG। सो क्लोमिड, नॉर्वाडेक्स एंड SCG जो आपको PCT में यूज़ करना होता है, उसका रीज़न ये होता है कि जो आपकी बॉडी के लेवल्स इतने कम हो चुके हैं टेस्टोस्टेरोन के, और आपकी जो नेचुरल टेस्टिकल्स है वो भी प्रोड्यूस नहीं कर रही है बिकॉज वो शट डाउन हो चुकी है, तो ये क्या करते हैं, आपकी रिकवरी कराते हैं नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की, उनको स्टिम्युलेट करते हैं और वापस जो रिकवरी है वो उसमें प्रोसेस जो उसका है वो दोबारा से उसको ऑन करने की कोशिश करते हैं, और जो आपके एस्ट्रोजन्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं। सो जो नॉर्वाडेक्स है वो एस्ट्रोजन्स को ब्लॉक करता है, क्लॉमिड उसको स्टिमुलेट करता है आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन्स को, और SCG का काम भी यही है, रिकवरी स्टिमुलेंट्स स्टिमुलेट करना और उसको एस्ट्रोजन्स को ब्लॉक करना। सो ये थी हमारी वीडियो जिसमें आपको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया है कि एक्चुअल में बॉडी में होता क्या है साइकिल के दौरान, साइकिल के बाद, और PCT करने की ज़रूरत क्यों होती है। अगर आपको कोई भी क्यूरी है PCT के बारे में तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और गाइस जो व्हाट्सएप करने का टाइम है वो है 3 PM से 9 PM, इसके बीच में आपको व्हाट्सएप करना है, और आप मैं 1 दिन ले सकता हूँ, 2 दिन ले सकता हूँ, बट मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो होप यू एन्जॉय दिस वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।